झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के कार्यालय मगध आम्रपाली क्षेत्र में मासी लोग में 10 बजे किया गया, जिसमें तुलसी गंजू एवं सचिव बिरजू उराव ने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झंडारोहण किया, जिसमें मुख्य अतिथि झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के जोनल संगठन सचिव श्री गुरुदयाल साहब जी उपस्थित हुए। अध्यक्ष तुलसी गंजू ने कहा कि संविधान भारत की हर जाति धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार देता है, हम सभी मिलकर संविधान के मूल रूप से बनाए रखने में सहयोग करेंगे। वही गुरुदयाल साहब जी ने कहा कि संविधान को बचा कर रखना और इस पर चलना हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है। वही सचिव बिरजू उराव ने कहा कि इस तिरंगे के नीचे हम सभी भारतवासी भारतीय होने का गर्व करते हैं। वही उप कोषाध्यक्ष सरबजीत गंजू ने कहा कि आज इस तिरंगे के नीचे हम सभी प्रेरणा लेने की जरूरत है, हम इस तिरंगे को कभी नहीं झुकने देंगे। इस बीच सभी वीर शहीदों को भी याद किया गया। इस बीच उपस्थित बबलू गंजू, राजकुमार उराव, अरविंद पांडे आदि सभी उपस्थित रहे। R9 भारत के लिए प्रफुल्ल पांडे की रिपोर्ट, बालूमाथ। बड़का गांव थाना प्रभारी आंगो पंचायत के सुदूरवर्ती गांव सोहादी भुइया टोली में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। बच्चों व बुजुर्गों के साथ हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जयकार लगाते हुए गणतंत्र दिवस मनाया गया। अपने बीच थाना प्रभारी को देख बच्चों ने काफी उत्साहित महसूस किया। प्रभारी ने बच्चों का हौसला बढ़ाया, उपस्थित सभी लोगों के साथ शुभकामनाएं दी और साथ ही मिठाई भी बांटी। R9 भारत के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट, रांची, झारखंड। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची के मुरादाबादी में मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में झंडारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा, सिधो कान्हू जैसे कई वीर सपूतों के बलिदान से झारखंड की धरती संचित है। आज का यह दिन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथा राजनीतिक न्याय के लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने का संकल्प दिवस है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को देखते हुए समस्त नागरिकों को विकास के साथ समान अवसर उपलब्ध कराना संविधान की मूल भावना है। राज्यपाल ने इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अपने त्याग, बलिदान और दूरदर्शिता से हमारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जिस पर चलकर हम सब एक मजबूत लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में विश्व स्तर पर स्थापित हुए हैं। R9 भारत के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट, रांची, झारखंड। नवाजयपुर थाना के थाना प्रभारी सीताराम मुर्मू ने 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नवाजयपुर थाना में राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा भारत माता के जयकार लगाते हुए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित रहे मुख्य गणमान्य व्यक्ति मुखिया श्रीमती सरिता देवी, नवा खास पंचायत गुड्डू यादव, वार्ड सदस्य, गणमान्य व्यक्ति में बादल मियां, चंद्रदेव प्रसाद सिंह, रामजीत यादव आदि सभी एवं अन्य ग्रामीण जनता भी उपस्थित रही। R9 भारत के लिए रामाशीष कुमार की रिपोर्ट, नवाजयपुर, पलामू।